कहानी है रेनू की। एक हादसे में रेनू के पति की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण रेनू के ससुराल वाले उसे घर से निकाल देते हैं। बेचारी रेनू अपने अंदर एक नन्ही सी जान लिए वह दर बदर भटकती है। रेनू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने मायके आ जाए। बेचारी रेनू दर बदर भटकते भटकते वह अपने मायके आ जाती है। रोते रोते रेनू अपने माता पिता को सारी बातें बताती है। रेनू के माता पिता रेनू को संभालते हैं और वह उसे अपने पास रख लेते हैं। कुछ महीनों बाद रेनू एक नन्ही सी प्यारी की बच्ची को जन्म देती है और वह उसका नाम रिया रखती है। रेनू अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। रेनू की बेटी बहुत सुंदर थी और वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आज तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाते। तुम बिल्कुल अपने पिता पर हो। पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई, वरना इतना प्यार करने वाला पति मुझे कभी अकेला नहीं छोड़कर जाता। इतना कहकर वह रोने लगती है। फिर उसके माता पिता उसे संभालते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रेनू अपने घर आ जाती है। देखते ही देखते रेनू की बेटी अब 2 साल की हो चुकी थी। एक दिन रेनू के पिता रेनू से कहते हैं, रेनू बेटा, अब हमारे जीवन का कुछ नहीं बता। हम आज हैं, कल नहीं। और अब रिया भी बड़ी हो रही है और उसे भी एक बाप के नाम की जरूरत है। क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। ये रिया के भविष्य के लिए है, इसलिए हम ये सब बातें कर रहे हैं ताकि रिया का भविष्य अच्छा हो जाए और उसे भी एक बाप का नाम मिल जाएगा। रेनू अपने पिता की बात मान जाती है। फिर कुछ दिनों बाद धीरज भी बहुत अच्छा लड़का था। धीरज के माता पिता नहीं थे, इसी कारण वह मंदिर में शादी कर लेते हैं। देखते ही देखते रेनू की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल आ जाती है। धीरज भी बहुत अच्छा लड़का था। वह रेनू और उसकी बेटी को बहुत प्यार से रखता था। एक दिन रेनू काम करते करते बेहोश हो जाती है। ये देखकर धीरज घबरा जाता है और रेनू को अस्पताल ले जाता है। फिर डॉक्टर रेनू को देखकर धीरज को बताते हैं कि वह प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर धीरज बहुत खुश हो जाता है। फिर धीरज रेनू को घर ले आता है और उसका अच्छे से ध्यान रखता है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और रेनू एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। धीरज अपने लड़के को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह उसका नाम आयुष रखता है। रेनू भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका एक छोटा सा परिवार पूरा हो जाता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन धीरज की मुंह बोली बुआ घर आती है और कहती है, अरे धीरज बेटा, तुम कैसे हो? प्रणाम बुआ जी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, और बहू कहाँ है? बैठो बुआ जी, रेनू भी मुन्ना को सुलाने गई है। और तुम्हारा बेटा कैसा है? अरे बेटा, मैंने सुना है बहू के पहले एक लड़की भी थी। हाँ बुआ जी। अरे बेटा, तू तो अपने बेटे को ही प्यार करियो और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करियो। तू बहू की बेटी को प्यार क्यों करेगा? वो कौन सा तेरी सगी बेटी है जो तू उस पर सब कुछ लुटा दे? तू बस अपने बेटे को प्यार करियो और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करियो। ये सब बातें धीरज की बुआ कर रही थी, तभी रेनू वहाँ आ जाती है और धीरज की बुआ कहती है, अरे बहू, तुम कैसी हो? और मैं अब कुछ दिन ठहर कर जाऊंगी। ठीक है बुआ जी, वैसे भी तो ये आपका ही घर है, आप जितने मर्जी दिन रुकिए। बुआ जी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ।
फिर रेनू वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ बुआ जी कुछ देर आराम करती है। रेनू का खाना भी बनकर तैयार हो जाता है और वह बुआ जी को खाने पर बुलाती है। आइए बुआ जी, खाना तैयार है, आप खाना खा लीजिए। अरे हाँ बेटा, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर सभी टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाते हैं। धीरज भी जल्दी जल्दी खाना खाता है और खाना खाने के बाद वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। सभी का खाना हो चुका था। रेनू टेबल पर से बर्तन उठा रही थी। बुआ जी भी खाना खाने के बाद अपने कमरे की ओर जा रही थी, तभी उन्हें रिया मिल जाती है। अरे तू यहाँ बैठी है, जा अपनी माँ के काम में हाथ बटा। पर दादी जी, मैं अभी बहुत छोटी हूँ और माँ मुझे काम करने से मना करती है और मुझे काम करना आता ही नहीं है। अरे जब मैं तेरे जैसी थी तो मुझे घर का सारा काम करना आता था। जब तू अपनी माँ के काम में हाथ बटाएगी तभी तो सीखेगी ना। जा अपने माँ के काम में हाथ बटा। इतना सुनकर रिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है और बुआ अपने कमरे में आ जाती है। अब बुआ जी रिया पर निगरानी रखती थी और बात बात पर उसे टोकती थी। रात के समय धीरज घर आता है और बुआ जी उसके आते ही उसे भड़काना शुरू कर देती है। धीरज, मुझे तेरी सौतेली बेटी पर बहुत गुस्सा आता है। क्या हुआ बुआ जी, उसने कुछ किया क्या? बेटा अब तेरी सौतेली बेटी बड़ी हो रही है और इसकी उम्र में हमारे यहाँ की लड़कियों को सब कुछ करना आता है, लेकिन वो बस बैठी रहती है। तू उससे काम क्यों नहीं कराता है? तूने उसको अपने सर पर चढ़ा रखा है। जब देखो खेलती रहती है या फिर बैठी रहती है, लेकिन घर का जरा सा भी काम नहीं करती है। आज ही देख, मैंने तेरी सौतेली बेटी को कहा कि वह अपनी माँ का काम में हाथ बटाए, लेकिन वह मुझे उल्टा जवाब देकर चली जाती है। इतना सुनकर धीरज को बहुत गुस्सा आता है और वह रिया के कमरे में जाता है और उसे खूब डांटता है। ये सब रेनू देख रही थी लेकिन वह कुछ नहीं कहती है। फिर उस दिन के बाद से धीरज अपने सारे काम रिया से कराता था। धीरज का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन रेनू उसे कुछ नहीं बोल पा रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन धीरज अपने काम पर जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट ज्यादा भयंकर नहीं था, जिस वजह से उसका अच्छे से इलाज हो जाता है, लेकिन वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तभी रेनू डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब क्या इन्हें हम अपने घर ले जा सकते हैं? ठीक है, लेकिन आपको इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। देखते ही देखते रेनू धीरज को घर ले आती है। धीरज का एक्सीडेंट होने की वजह से उसके सारे पैसे उसके इलाज में लग जाते हैं और अब घर में भी पैसों की तंगी होने लगी थी। धीरज बिस्तर पर लेटा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बुआ भी उसी के पास बैठी हुई थी। तभी रेनू उनके पास आती है और बुआ जी से कहती है, बुआ जी आप तो जानती हैं, इनके एक्सीडेंट की वजह से हमारी सारी सेविंग्स इनके ऊपर लग चुकी है और अब हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आप पैसों की कुछ मदद कर देती तो अच्छा होता। अरे बहू, मैं तुम्हारी पैसों की मदद कहाँ से करूँगी? बुआ जी आपका एक बेटा भी तो है जो बाहर देश में काम करता है, आप उनसे ही पैसे लेकर दे दीजिए। अरे बेटा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो पैसे नहीं देगा। पर बुआ जी हम उधार मांग रहे हैं, जब हमारे पास होंगे तो हम उन्हें लौटा देंगे। अरे बेटा, मैं जानती हूँ ना उसे, वो नहीं देगा, और पैसों की मदद मुझसे मत मांगो। इतना कहकर धीरज की बुआ वहाँ से चली जाती है। फिर धीरज अपनी बुआ का ऐसा व्यवहार देखकर उदास हो जाता है और वह अपनी बीती हुई बातों को याद करता है और रेनू से क्षमा मांगता है। फिर रेनू अपने गहने निकालती है और उन्हें बेच कर पैसे ले आती है। फिर धीरज रेनू से कहता है, रेनू तुम मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ बहुत गलत किया है,
आज मेरे बुरे समय में तुम और तुम्हारी बेटी हैं और मेरे साथ कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं धीरज, मुझे पता था कि बुआ जी ही तुम्हें भड़का रही हैं। वो हमारे हंसते खेलते हुए परिवार को तबाह करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये नाटक किया था, क्योंकि मुझे उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने लानी थी, वरना ये गहने मैं पहले भी बेच सकती थी। मुझे तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा लगा था, मुझे वो हटाना था। देखते ही देखते धीरज ठीक हो जाता है और वह रिया और आयुष में कोई भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि उसे अपनी गलती पर पछतावा था और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा है कि अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जादुई कंघी का कमाल। बहुत समय पहले की बात है, उदयपुर गांव में दो पति पत्नी किशोर दास और नीलम रहा करते थे। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। बहुत मन्नतों के बाद उनके घर खुशियां आती है और नीलम एक बेटी को जन्म देती है और वो उसका नाम राजनंदिनी रखते हैं। राजनंदिनी के आ जाने पर राजमहल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और उनकी खुशियों में 4 चांद लग जाते हैं। समय बीतता गया, धीरे धीरे राजनंदिनी अब 12 साल की हो गई थी, लेकिन उसे बहुत गंभीर बीमारी होने के कारण उसके सिर के सारे बाल झड़ जाते हैं और वह गंजी हो जाती है, जिस कारण वह बहुत दुखी होने लगी थी। और वह जब भी राजमहल से बाहर खेलने जाती तो उसके पीठ पीछे सब उसका मजाक बनाते थे। अरे देख देख, गंजी राजकुमारी आ रही है। अरे नहीं नहीं, गंजी चांद चलकर आ रही है। ऐसे कहते हुए राजनंदिनी उनकी बात सुन लेती है और वह राजमहल आकर बहुत रोती है। राजनंदिनी को रोता देख तभी नीलम उसके कमरे में आ जाती है। माँ, मेरी बीमारी के कारण मेरे सारे बाल झड़ गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? जब भी मैं राजमहल से बाहर खेलने जाती हूँ तो कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता और मेरे पीठ पीछे सब मेरा मजाक बनाते हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटा, ये तो बस भगवान की देन है, भला इसमें कोई क्या कर सकता है? पर तू चिंता मत कर, मैं एक जाने माने वैद को जानती हूँ, वो तेरे बालों के लिए कोई बढ़िया सा तेल दे देंगे जिससे तेरे बाल आ जाएंगे। मैं आज शाम को ही उनके पास जाऊंगी। नीलम शाम होते ही उनके पास जाती है और उससे तेल ले आती है। ये ले बेटी, ये है वो तेल, इससे मैं तेरे रोज मालिश करूंगी तो तेरे बाल जल्दी आ जाएंगे। उस तेल के इस्तेमाल करने से राजनंदिनी को कोई लाभ नहीं होता, उल्टा उसके सर पर और दाने आ जाते हैं, इस कारण वह और भी बदसूरत दिखने लगती है। अब उससे उसके पिता भी उखड़े उखड़े रहने लगते हैं। ये सब राजनंदिनी को अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस कारण वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। बेटा दरवाजा खोलो, ऐसे नहीं करते, तुम्हारी माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है ना? बेटा दरवाजा खोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। माँ के बहुत कहने पर राजनंदिनी दरवाजा खोलती है और अपनी माँ के गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। माँ, यह कोई मेरा दोस्त नहीं है और कोई मुझसे प्यार नहीं करता आपके सिवा, मैं क्या सारी जिंदगी ऐसे ही अकेली रहूंगी?
नहीं बेटा, ये देखो कौन आया है, तुम्हारी नई सहेली। ये अब तुम्हारे साथ खेला करेगी और तुम्हारा ध्यान रखेगी। ये हमारी दासी की बहन की बेटी है, इसका नाम महक है। महक को देखकर राजनंदिनी बहुत खुश हो जाती है और उसे अपनी पक्की सहेली बना लेती है। परंतु महक मन की बहुत कपटी लड़की थी। वो बस राजनंदिनी के साथ दिखावे के लिए रहा करती थी और उसके सामने झूठ मूठ का दिखावा करती थी। एक दिन, राजनंदिनी, मैंने अब आपके सर की मसाज कर दी है, अब आप आराम करो, मैं अब अपनी सहेलियों के साथ खेलने जा रही हूँ। महक, क्या मैं अब तुम्हारे साथ खेलने चल सकती हूँ? उफ, ये गंजी पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई, सारा दिन इसके आगे पीछे घूमते रहो, इसके नखरे उठाते फिरो। अब अगर मैं इसे अपने साथ लेकर गई तो मेरी सहेलियाँ इसके साथ साथ मेरा भी मजाक बनाएंगी, और अगर नहीं लेकर गई तो ये रानी जी से मेरी शिकायत कर देगी। क्या करूँ? तुम क्या सोचने लगी मैं? चलो अब। फिर दोनों राजमहल से बाहर मैदान में जाती हैं। क्या बात है महक, आज तो तुम किसी चांद को लेकर घूम रही है अपने साथ। अरे अरे, ऐसे नहीं बोलती, यह हमारे राज्य की राजकुमारी है। अब राज्य की राजकुमारी की चमचागिरी कौन नहीं करना चाहेगा, इसलिए बेचारी महक अब इसके आगे पीछे घूमती रहती है ताकि इसका भला हो सके। ये सब सुनकर महक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को छुपाती है। ये सब छोड़ो ना दोस्तों, चलो अब हम खेलते हैं। नहीं, अगर ये गंजी टकली हमारे साथ खेलेगी तो हम तुझे भी नहीं खिलाएंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम इनके साथ खेल लो, मैं यहाँ पेड़ के पास बैठकर तुम्हें खेलता हुआ देखूंगी। राजनंदिनी पेड़ के पास बैठ जाती है। फिर वो सभी फुटबॉल खेल रहे थे, तभी महक फुटबॉल को जोर से लात मारती है और वह बॉल जंगल में उड़ती उड़ती चली जाती है। बॉल लाने से सभी मना कर देते हैं। महक जंगल में जाने से डर रही थी। फिर वह राजनंदिनी को बॉल लाने के लिए बोलती है और वह मान जाती है। फिर राजनंदिनी जंगल में फुटबॉल ढूंढने जाती है, तभी उसे एक घायल चिड़िया दिखाई देती है। वो दर्द से तड़प रही थी। अरे ये चिड़िया, इसको तो बहुत चोट लगी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राजनंदिनी पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उसके जख्म पर लगा देती है। तभी चिड़िया एक परी के रूप में आ जाती है। यह देखकर राजनंदिनी चौंक जाती है। डरो नहीं राजनंदिनी, मैं एक परी हूँ, मैं अक्सर रूप बदलकर पृथ्वी लोक की सैर करने आती हूँ। आज मैं चिड़िया के रूप में आई थी तो किसी ने मुझे बहुत तेज बॉल मार दी और मैं यहाँ गिर गई। पर तुम तो इस राज्य की राजकुमारी हो, तुम यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हो? परी जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, शायद जो बॉल आपको लगी है मैं वो ही लेने आई हूँ। दरअसल मेरी सहेलियाँ बगीचे में खेल रही थी तो उनकी बॉल गलती से यहाँ आ गई, तो मैं वो लेने आई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया राजनंदिनी, जो तुमने मेरी मदद की, ये लो तुम्हारी बॉल। परी जैसे ही राजनंदिनी को छूती है, तभी उसे राजनंदिनी के बारे में सारी बात पता चल जाती है। राजनंदिनी, क्या तुम अपने बाल ना होने की वजह से दुखी हो? हाँ परी जी, परंतु ये आपको कैसे पता? मेरे सिर पर बाल ना होने के कारण सब मेरा मजाक बनाते हैं, यहाँ तक कि पिताजी भी मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु भगवान ने भी मुझे ऐसा बनाया। इतना बोलते ही राजनंदिनी रोने लगती है। रो मत राजनंदिनी, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहते ही परी अपनी छड़ी घुमाती है, तभी उसके सामने एक जादुई कंघी आ जाती है। ये लो राजनंदिनी, ये एक जादुई कंघी है, तुम इससे अपने सर पर कंघी करना,
और तुम्हारे बाल आ जाएंगे। राजनंदिनी परी का शुक्रिया अदा करके बगीचे में जाती है। ये लो महक तुम्हारी बॉल, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे राजमहल जाना है। फिर राजनंदिनी राजमहल चली जाती है। वो अपने कमरे में जैसे ही वे अपने सर पर कंघी करती है तभी उसके बाल आ जाते हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। राजनंदिनी का बदला हुआ रूप देखकर किशोर और नीलम दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा है कि अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जादुई कुआं। यह कहानी दीवाना गांव की है। कुछ समय पहले काजल की माँ का देहांत हो गया था। काजल और हर्षिता दोनों अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। काजल की सौतेली माँ दोनों बहनों पर बहुत अत्याचार करती थी। वह उनसे घर का सारा काम करवाती और समय पर खाना भी नहीं देती थी। पैसों की लालच में साक्षी काजल को दूसरों के घर काम करने भेजती थी। एक दिन, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, हर्षिता की बहुत जल्द तबीयत खराब है, मुझे उसे दवाई दिलानी है। कहाँ से दो पैसे, इतने कम पैसे तो तू कमाती है और ऊपर से तुम बहने इतना सारा खाना खाती हो और उसका पैसा कौन देगा? अब चली जाए यहाँ से, अब मुझसे दोबारा पैसे मत मांगने आना। यह सुनकर काजल बहुत दुखी होती है और अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। अगले दिन वह सबसे मदद मांगती है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। मदद के लिए भटकते भटकते काजल को बहुत रात हो जाती है और उसे चलते चलते जोरों से प्यास लगती है। प्यास के कारण काजल पानी की तलाश करती है। तभी अचानक काजल की नजर एक कुएं पे पड़ती है। काजल कुएं से पानी निकालकर पानी पीने लगती है। पानी पीने के बाद काजल बहुत जोर जोर से रोने लगती है। किसी ने मेरी मदद नहीं की, कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता है, अब मैं अपनी बहन के लिए दवाई कैसे लाऊंगी? हर्षिता ठीक हो जाएगी, मैं अपनी बहन को ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ। घर जाकर जब काजल अपनी बहन को देखती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। हर्षिता ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम्हारी तबीयत तो सुबह से खराब थी, अचानक तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ दीदी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि मुझ पे किसी ने जादू किया हो और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। काजल अपनी बहन को ठीक पाकर बहुत खुश हो जाती है मगर उसे इस बात का पता नहीं चलता कि वह अचानक ठीक कैसे हो गई। काजल कई दिन तक इस बारे में सोचती रहती है। अचानक काजल को कुएं के पास कही हुई बात याद आ जाती है। फिर वह उसी रात कुएं के पास जाती है। अच्छा, तुमने मेरी बहन को ठीक किया है, मुझे सब पता चल गया है। तभी कुएं से एक आवाज आती है। हाँ काजल, मैं कोई आम कुआ नहीं हूँ, मैं एक जादुई कुआ हूँ। जब कोई जरूरतमंद अपने दिल की बात बोलता है तो उसके साथ कुछ अच्छा ही होता है, और अगर कोई मन में लालच लाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है। यह सब सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है और कुएं का शुक्रिया अदा करती है। हमारी सौतेली माँ हम दोनों बहनों पर बहुत अत्याचार करती है,
क्या आप हमें थोड़ा सा धन दे सकते हो जिससे मैं कहीं अपना घर लेकर अपनी बहन के साथ रह सकूं? काजल की बात सुनकर कुआ काजल को बहुत सारा धन दे देता है। बेटा, कभी भी तुम्हें धन की जरूरत हो तो तुम बेझिझक यहाँ आ सकती हो। फिर काजल अपनी बहन के साथ घर आ जाती है। नासपिटी कामचोर कहीं की कहाँ गई थी, घर का सारा काम पड़ा है, ये क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? इतना कहकर काजल की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। दीदी, ये सौतेली माँ हमें प्यार क्यों नहीं करती है? चिंता मत कर हर्षिता, आज रात ही हम यहाँ से चले जाएंगे और कहीं और जाकर रहेंगे। रात के समय काजल अपनी बहन को उस कुएं के पास ले जाती है और पूरी रात वहीं बिताती है। देखते ही देखते काजल अपना एक अच्छा सा घर बना लेती है। जब काजल को पैसों की जरूरत पड़ती तो वह कुएं से ले जाती थी। यह सब उसकी सौतेली माँ देख लेती है और ईर्ष्या करने लगती है। एक दिन काजल की सौतेली माँ काजल का पीछा करती है और काजल को कुएं से पैसे लेते हुए देख लेती है। काजल के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ कुएं के पास आती है। अरे कुएं, तू सबको धन देता है, थोड़ा मुझे भी दे दे जिससे मैं भी अमीर हो जाऊं। तभी कुएं से एक आवाज आती है। लालची दुष्ट इंसान, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू बहुत गरीब हो जाए और दूसरों के घर जा जाकर काम करे जैसे तू अपनी बेटी को भेजती थी। नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी और अपनी बेटियों के साथ हमेशा अच्छे से रहूंगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा है कि अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।